नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जो भी थर्ड राउंड के इंटरव्यू देने वाले हैं, थर्ड राउंड के, उनके पास कॉल्स बहुत सारे आएंगे, तो उन लोगों के लिए एक वीडियो है। ये वीडियो है जो थर्ड राउंड के कैंडिडेट हैं। दोस्तों, बहुत सारे फ्रॉड कॉल हो रहे हैं। फ्रॉड कॉल कैसे होंगे आपके पास और कैसे कॉल आएंगे, क्या क्या बोला जाएगा, मैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। कॉल किस प्रकार से आएंगे और आपसे क्या बोला जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से आप देखेंगे। कभी भी देखिए दोस्तों, ड्रीम इलेवन हो या इसराइल के लिए कोई भी इंटरव्यू हो, तो कभी आपसे पैसे पहले नहीं लिए जाते। अगर आप इनाम जीतते हैं या आपका वीज़ा आते हैं, दोनों जगह सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह से काफ़ी सारे फ्रॉडगिरी हो रहे हैं। काफ़ी सारे भाई हमारे बोलते हैं कि भैया हमसे ये ऐसे हो गया, ऐसे कॉल आया था। तो दोस्तों NHC के लिए काफ़ी सारे भाई अभी इंटरव्यू देंगे, ट्राई करेंगे। एक महीने, दो महीने, तीन महीने में आपका कभी भी कॉल आएगा, तो NHDC से भी हो सकते हैं, सरकार के माध्यम से भी हो सकते हैं, और आपके फ्रॉडगिरी जो कर रहे हैं उन लोगों से भी हो सकते हैं। तो फ्रॉडगिरी वाले जो करने वाले हैं, वो लोग क्या पूछेंगे आपसे, कि सेम वही पूछेंगे कि भैया आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया है क्या। अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका वीज़ा आया हुआ है, आप कुछ पैसे पे करिए। देखिए, कभी भी आप लोगों को वीज़ा अगर आ रहा है आपका, वीज़ा आने के बाद ही, और जो पैसे देने हैं वो आपको ऑनलाइन पे करने हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे, जहाँ पर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं या कर रहे हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि आप कभी भी फ्रॉडगिरी के जो कॉल आ रहे हैं, और उनसे वो लोग यही बोलेंगे, ठीक है, आपसे वो लोग बोलेंगे कि आपका वीज़ा आया हुआ है। पहले आप तो वीज़ा उनसे मांगिए, ठीक है, और कभी भी वीज़ा आपका बाई पोस्ट जाएगा या नहीं, तो आपका व्हाट्सअप अपने आप मंगा के देखेंगे, तभी आपको देंगे। कभी भी बहुत सारे भाई ऐसे कर रहे हैं कि फ़ोन आ रहा है और तुरंत पैसे जमा कर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत 10,000-20,000 जमा कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो फ्रॉडगिरी के शिकार हो रहे हैं। दूसरी बार जब कॉल करते हैं तो उनका जो है कॉल नहीं उठाते। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप फ्रॉडगिरी में फंस सकते हैं। कभी भी थर्ड राउंड के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं चार ट्रेड से, जो कि मेसन है और टाइल मेसन है और बेंडिंग वायर, जो स्टील फिटर का काम करते हों वो दे सकते हैं, और सेटरिंग कारपेंटर हैं। देखिए, जो भाई फिनिशिंग कारपेंटर से, बहुत भाई बोल रहे थे कि फिनिशिंग कारपेंटर से हमें टेस्ट देने हैं, फिनिशिंग कारपेंटर का काम कब आएगा, तो इज़राइल के लिए या आप किसी भी कंट्री में जा रहे हों, तो आप तो वहाँ फिनिशिंग कारपेंटर से भी जाएंगे तो भी आपको सब काम करने हैं, या आप बेंडिंग वायर से जाएंगे, स्टील फिटर से, तो भी सब काम करने हैं। तो आप ये मत समझिए कि हम फिनिशिंग कारपेंटर हैं, फिनिशिंग का काम आएगा तो हम जाएंगे। आप फिनिशिंग कारपेंटर वाले हैं तो आप सेटरिंग का काम में जा कर के वहाँ पे टेस्ट दीजिए। देखिए, आइडिया से काम कीजिए और वहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से टेस्ट हो रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके कीला ठोकना है। कीला अगर आपको हाथ चलाना आता है, टेप में देखना आता है, तो आप सेटरिंग कारपेंटर में अपना टेस्ट दे करके और वहाँ पर जा सकते हैं। आप फिनिशिंग कारपेंटर का वेट नहीं कर सकते। वेट अगर करेंगे तो वो पता नहीं कब आएगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़ है मुस्लिम भाइयों लोगों के ऊपर। मुस्लिम भाई भी बहुत भाई परेशान है, तो बहुत भाइयों का टिकट भी आया हुआ है और बहुत भाई गए भी हैं चेन्नई से, ऑफिस के माध्यम से या NHDC के माध्यम से। अभी थर्ड राउंड में आप लोग भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप लोग भी अगर टाइल्स मेसन हैं या स्टील फिटर हैं या सेटरिंग का काम जानते हैं, अगर आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो आप भी दे सकते हैं। हिंदू लोगों के साथ आप भी जा सकते हैं, आप भी इंटरव्यू दे सकते हैं। आप लोगों को इंटरव्यू कैसे करना है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं, और मैं भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि वहाँ पर जा करके आप टाइल्स मेसन वाले हैं तो टाइल्स का लगा करके जो है लेवलिंग एक या दो टाइल्स लगा करके दिखानी है, और नहीं तो आप प्लास्टरा में 3 फुट के लगभग में हाइट में प्लास्टरा है तो वहाँ पे प्लास्टरा करना है, वहाँ पे फंटी वगैरह लगाना है। तो फंटी कभी भी आप लोग देखिए तरीका से लगाइए, हवड़ा करके भूल मत जाइए। बहुत सारे भाई ऐसे कर रहे हैं, काम तो पता है लेकिन हवड़ा करके, और वो होपलेस हो जा रहे हैं कि भैया मैं क्या करूँ। दोनों साइड से आप फंटी लगाइए और लंबा चेक कीजिए और उसके बाद फंटी मारिए, ठीक है। आप 2x2 या 3x3 का प्लास्टरा करेंगे, उसी में आपको जो भी क्लाइंट हैं वो जान जाएंगे कि आप किस प्रकार से कारीगर हैं। उसी प्रकार से सेटरिंग कारपेंटर में भी आप लोगों को देना है, सेटरिंग कारपेंटर में भी टेस्ट होगा, ठीक है, और क्लाइंट आएंगे इसराइल से और क्लाइंट के सामने टेस्ट होगा। तो टेस्ट क्लाइंट के सामने आप लोग को हावड़ाना नहीं है। बहुत सारे नए जो भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा हावड़ा रहे हैं,
तो हड़बड़ाना नहीं है, एक ये समझना है कि मेरे घर के सदस्य है उस हिसाब से, या हमारे कंपनी के मालिक हैं उसी हिसाब से अपना जान करके और उनके सामने खड़े होने हैं और उनके सामने टेस्ट देना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे भाई के भाइयों को सेंटी पूछा जाता है कि आप 20 सेंटी टेप निकालिए तो 40 सेंटी निकालते हैं, उनको उनको पता ही नहीं कि कितना लिखा है, और वो ध्यान से जब दिखाया जाता है कि ये देखिए 20 सेंटी है तब उनको हो लगता है, तो इस हिसाब से हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि PCC आपका आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और मेडिकल भी नॉर्मल ही है, मेडिकल भी आपका मुंबई से ही, बहुत सारे भाइयों को जो मुंबई से टेस्ट देंगे उनको मुंबई में ही मेडिकल्स भी हो जाएंगे, ठीक है, और वहीं से उनका लगभग फ्लाइट भी होगा, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है लेकिन फ्लाइट भी होगा, तो दिल्ली या मुंबई से हो सकते हैं। बाकी ऑफिस के द्वारा अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो ऑफिस के द्वारा तो कहीं से भी हो जा रहे हैं, चेन्नई से भी हो रहे हैं, मुंबई से भी हो रहे हैं, दिल्ली से भी हो रहे हैं और लखनऊ से भी हो रहे हैं, तो आप लोग जो भी टेस्ट दे रहे हैं और इंटरव्यू से जो भी कॉल आ रहे हैं, कॉल आपके पास, वो कॉल्स आपको ध्यान देने हैं। ऑनलाइन पेमेंट किसी को भी नहीं देने हैं। NHDC के जो वेबसाइट है, NHDC का जो नंबर आपको दिया जाएगा और आपको जिसमें पे करने के लिए बोला जाएगा, सारे लोग जहाँ पे करेंगे, जैसे आपके साथ में जो भी टीम है वो सभी टीम आपके साथ रहेगी, तो ही आपको किसी को भी एक पैसे देने हैं। सबसे खास रीज़न से मैं यही इस वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइमिंग नहीं बहुत, मैं भी देखिए मेरे पीछे काफ़ी सारे कंपनी है मेरा भी, तो यहाँ पर मेरा भी काम रहते हैं, तो मैं खास ज़रूरी चीज़ें ये चीज़ आप लोगों को बताने के लिए सोचा और आप लोगों को ये चीज़ इस चीज़ को ध्यान देने हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी देखिए हमको तो ये लग रहा है कि अपने सिस्टम में, अपने जो टीम में, जैसे मान के चलिए हमें भी इजराइल जाना है और सभी लोगों को जाना है, उन्हीं लोगों में से किसी एक भाई जो हैं फ्रॉडगिरी करेंगे, जैसे मान के चलिए हमें पता है कि सब लोग इजराइल जाने के लिए टेस्ट दे रहे हैं और इनको कॉल जाएगा, तो उसी हिसाब से वो लोग देख करके और ख़ुद कॉल करेंगे, या आप लोग का नंबर जान करके और या आप लोग का नंबर ले करके, या ग्रुप में बहुत सारा नंबर होते हैं उनका, उनसे वहाँ से उठा करके, ठीक है, और आपसे ये डिटेल्स भी पूछेंगे लोग कि आपने टेस्ट देने आए थे क्या, हाँ तो हाँ हम आए थे, NHDC से बात कर रहे हैं तो हाँ, एकदम रियल लगेगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि वो एकदम विभाग वाला ही है, श्रम विभाग वाला ही है, ठीक है, या सरकार के माध्यम से ही कॉल आए हैं, बिना आपको वीजा देखे और बिना आपको जाने पहचाने आपको पैसे नहीं देना है, आपको कॉल्स आएंगे तो एकदम रियल आएंगे, जैसे मान के चलिए हमें पता है कि आप लोग सभी आए हैं कि टेस्ट देने के लिए, और आप जैसे मान के लिए ग्रुप में अगर नंबर हुआ तो ग्रुप में बहुत सारे नंबर हैं तो उसमें से आदमी कॉल करके कर सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी बहरीन से भी चेन्नई में टेस्ट आने वाले हैं, तो जो भी भाई 50 से 60 हज़ार कमाना चाहते हैं, 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार, वो भाई बहरीन के लिए टेस्ट दे सकते हैं। बहरीन के लिए जो भी भाई टेस्ट देने वाले हैं या देना चाहते हैं वो कमेंट करेंगे, ठीक है, और चेन्नई से दे सकते हैं, चेन्नई में ऑफिस के द्वारा दे सकते हैं, जिसका चार्जेस 70 से 80 हज़ार रुपये हैं, और यहीं पे आपका गम का मेडिकल होगा और यहीं पे आपका टेस्ट भी होगा और यहीं से आपका फ्लाइट भी होगा, ठीक है। फ्लाइट आप चाहें जहाँ से करा सकते हैं, लेकिन आपका टेस्ट यहाँ पर होगा और क्लाइंट इंटरव्यू होगा बहरीन के लिए। ओमान के लिए चल रहे हैं, जो ऑफिस है इंटरलिंक कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ओमान के लिए चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सैलरी बहुत कम है, तो जो फ्रेशर हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, जो रिटर्नर हैं वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग को भी जो भी भाई को बहरीन जाना है, बहरीन के लिए अप्लाई करना है, तो वो भाई कमेंट करेंगे और बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी भाई इज़राइल नहीं जा सकते, पैसे नहीं हैं, या इंटरव्यू में पास नहीं हो सकते, या उनको कुछ अन्य प्रॉब्लम है, वो भाई बहरीन जा सकते हैं, ओमान जा सकते हैं, गल्फ में भी जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी गल्फ में। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज आया होगा, नॉलेज आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भाइयों तक पहुँचे और वो भी फ्रॉडगिरी से बचें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।